आज मैं बना रही हूँ लौकी की सब्जी। लौकी की सब्जी जो जल्दी किसी को पसंद नहीं होती है, लेकिन इस रेसिपी के बाद सब खाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लौकी की सब्जी के लिए कुछ खड़े मसाले निकाले हैं, जिसमें काली मिर्च है, छोटी इलायची, लौंग, जीरा और दालचीनी है। इसको पीस कर हम अलग रख देंगे। अब इसके बाद से मैंने प्रेशर कुकर लिया है, जिसमें 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाला है। इसमें हम डालेंगे 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, साथ ही 2 लौंग लिए हैं और 1 बड़ी इलायची ली है। सारी चीजों को तड़का लेते हैं। अब इसके बाद से मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज को चॉप करके रखा था। इस सब्जी में प्याज का थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल हम करने वाले हैं, क्योंकि जितनी लौकी है उसका लगभग हाफ प्याज तो हमें डालना ही डालना होगा। सूखी लाल मिर्चें हैं जो 2 से 3 थी, उनको मैंने तोड़ लिया है। अब हमें प्याज को भूनना है। प्याज को हम भूनेंगे हल्का सा, बस ट्रांसल्यूसेंट होने तक, बहुत ज्यादा लाल नहीं करना है। और ये जो लौकी की सब्जी है दोस्तों, ये आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। इसके लिए हमने लौकी को इस तरह से चौकोर पीसेस में चॉप किया है। 1 आलू लिया है, ज्यादा नहीं लिया है। अगर आप घर में आलू नहीं खाते तो आप आलू को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर लौकी और आलू दोनों मैंने लिया है, वॉश करके रखा हुआ है। पानी से छान कर प्याज को इतना हल्का सा ट्रांसलूसेंट कर लिया। अब इस प्याज में हम ऐड करेंगे अपने लौकी और आलू, जो पीसेस हमने चॉप करके रखे थे उनको डालेंगे। आलू और लौकी को प्याज के साथ डालने के बाद यहीं पर कुछ बहुत ही हल्के से मसाले हम ऐड करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। इस सब्जी में बहुत थोड़े थोड़े ही मसाले जाएंगे। सबसे पहले जो जा रहे हैं वो है लहसुन, जिसको मैंने बस अच्छे से पील कर लिया है, चॉप नहीं किया है, बस खड़े खड़े कलियां डाली हैं। अदरक है 1 टेबल स्पून, क्रश करके डाला है। इसके बाद से जो है आप कुछ मसाले, जैसे कि हल्दी का पाउडर बहुत थोड़ा सा, बहुत ज्यादा ज्यादा मसाले नहीं डालूंगी। नमक है स्वाद के अनुसार, और जो तीखी लाल मिर्च होती है, जितना भी आपको टेस्ट पसंद हो वो डाल सकते हैं। धनिया का पाउडर डाल सकते हैं, धनिया का पाउडर भी बहुत थोड़ा सा डाला है, तीखी वाली लाल मिर्च है थोड़ी सी। सारे मसालों को लौकी के साथ अच्छे से मिला लेंगे। अब यहाँ पर इसके बाद हम क्या करेंगे, फ्लेम को सिम करेंगे। सिम फ्लेम पर इस लौकी की सब्जी को 5 मिनट हम पहले भूनने देंगे। धीमी धीमी आंच पर ये सब्जी बनती है। इस सब्जी में बिल्कुल भी आंच को तेज मत करिएगा, आंच तेज करते ही सब्जी का सारा स्वाद खत्म हो जाएगा। धीमी आंच पर हल्का सा ढक्कन लगाकर इस तरीके से सब्जी को पहले हम भूनते हैं। 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। लौकी को 5 मिनट भूनने के बाद आप देखेंगे कि लौकी से पानी रिलीज होना शुरू हो जाता है। लौकी फ्रेश होती है तो बहुत अच्छे से पानी निकलता है। इस टाइम पर हम यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच भर के, थोड़ी सी दही पुरानी हो, जैसे 1 या 2 दिन पुरानी, जिससे सब्जी में आ जाए हल्की सी खटास, उतनी दही लेंगे। दही को अच्छे से मिला लीजिए। इस दही के बाद अब हमने जो अपने खड़े मसाले पीस कर रखे थे, मैंने वीडियो में शुरू में आपको दिखाया था कुछ खड़े मसाले, उनका इस तरीके से पाउडर बनाकर हमें लेना होगा। ये पाउडर डालते ही हमारी सब्जी का जो फ्लेवर है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर खड़े मसालों का ये जो घर वाला पाउडर होता है ये बहुत बढ़िया सा टेस्ट देता है। इसके बाद से अगर आप चाहें तो थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। मैंने यहाँ पर डाला है जिससे अच्छा सा कलर आ जाए। इनको डालकर हम वापस इस सब्जी को 5 मिनट के लिए सिम फ्लेम पर पकने को छोड़ेंगे। तो धीमे धीमे आंच पर ही बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। ढक्कन लगाकर वापस से 5 मिनट बाद हम इसको चेक करते हैं। 5 मिनट के बाद जब हम देखते हैं तो ये सब्जी का पानी पूरी तरीके से सूख चुका है। हमें यहाँ पर सब्जी का पानी पूरी तरह से सुखाना है। अब इस सब्जी के पानी को सूखने में 5 मिनट, 10 मिनट या 12 मिनट भी लग सकते हैं। बहुत थोड़ा सा पानी, जैसा कि आप देख रहे हैं, इतना ही मैंने डाला है, जिससे हमारी सब्जी में एक प्रेशर लग जाए, सब्जी नीचे से जले नहीं। ढक्कन लगाएंगे और इसको हम पकाएंगे 2 सीटी आने तक, या फिर 1 सीटी के बाद आप 5 मिनट सिम भी कर सकते हैं। चलिए, जब सब्जी का अच्छे से प्रेशर निकल जाए तब सब्जी को खोलेंगे और हमारी लौकी की सब्जी बहुत ही टेस्टी सी बनकर तैयार है। ये सब्जी रोटी के साथ आप सर्व करिए, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। घर में जो लोग लौकी नहीं खाते हो, एक बार उनको इस तरीके से बनाकर खिलाइएगा। हमेशा लोग लौकी में टमाटर डालकर बनाते हैं, इस तरीके से बनाएंगे तो घर वाले बहुत ही ज्यादा पसंद करेंगे।